आज इस वीडियो में हम आपको 5 क्रिश्चियन बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की क्रिश्चियन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नंबर 5, एमी लुईस जैक्सन। एमी लुईस जैक्सन 31 जनवरी 1992 को आइल ऑफ मैन डगलस में पैदा हुई। जैक्सन ने 2009 में मिस टीन वर्ल्ड जीता और बाद में इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और फिर 2010 में आई मूवी मद्रासा पैटनम में डेब्यू किया, जो एक तमिल मूवी थी। इसके बाद इन्होंने और भी काफ़ी मूवीज़ में काम किया, जैसे कि एक दीवाना था, सिंग इज ब्लिंग 2.0 जैसी फिल्म में काम किया और इंडिया में बहुत शोहरत भी हासिल की। नंबर 4, अमृता अरोड़ा। अमृता अरोड़ा भी क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी पैदाइश 31 जनवरी 1978 में हुई। अमृता ने अपना करियर इंडियन एक्ट्रेस मॉडल विजय से शुरू किया। अमृता ने अपना फिल्मी करियर कितने दूर कितने पास से शुरू किया, जो 2002 में आई थी। अमृता ने और भी बहुत सी मूवीज़ में काम किया, जैसे कि अवारा पागल दीवाना, एक और एक 11 और भी काफ़ी मूवीज़ में काम किया। ये मलाइका अरोड़ा की बहन है। मलाइका के बारे में भी हमने डिटेल से बताया है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज़रूर देखें। नंबर 3, डिनो मौर्या। डिनो मौर्या की पैदाइश 9 दिसंबर को बेंगलोर कर्नाटक इंडिया में हुई। डिनो मौर्या ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत टीवी सीरीज़ कैप्टन व्योम, जिसमें वो सोनक के रूप में नजर आए। इनकी पहली फिल्म प्यार में कभी कभी रिंके खन्ना के साथ थी। इसके बाद डिनो मौर्या ने और भी बहुत सी मूवीज़ में काम किया, जैसे कि राज, कंडों कुंडाइन जैसी फिल्मों में काम किया। इनको अक्सर चर्च में भी जाते हुए देखा गया है। नंबर 2, एंद्रिया जर्मिया। एंद्रिया जर्मिया की पैदाइश 21 दिसंबर 1984 को अराकोन तमिलनाडु में पैदा हुई। एंद्रिया का ताल्लुक एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन फैमिली से है। एंद्रिया एक इंडियन एक्ट्रेस प्लेबैक सिंगर है। ये बुनियादी तौर पर तमिल और मलयालम जुबान की मूवीज़ में काम करती हैं। एंद्रिया ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत पचाइकली मिथुचारम आई फिल्म से की। फिर इन्होंने बहुत सी फिल्म्स में काम किया, जैसे कि विशोरपम, अनायम रसूलम जैसी मूवीज़ में काम किया। नंबर 1, नगमा। नगमा की पैदाइश 25 दिसंबर 1974 को हुई। नगमा का बर्थ नेम नंदिता अरविंद मोराजी है। नगमा ने अपना फिल्म करियर 1990 में आई मूवी बागी से शुरू किया। इसके बाद और भी काफ़ी मूवीज़ में काम किया, जैसे कि बेवफा से वफा, सुहाग जैसी मूवीज़ में काम किया और बाद में नगमा ने हिंदुज़म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और अब ये एक क्रिश्चियन है। इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ऐसी और क्रिश्चियन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मसीह वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।